हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम बताएंगे जो उन कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें बायोलॉजी पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मैन या मनुष्य। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमो सैपियंस होगा। इसी प्रकार से मेंढक का राना टिग्रिना फ्रॉग राना टिग्रिना होता है। बिल्ली अर्थात कैट का फेलिस डोमेस्टिका होता है। बिल्ली का जंतु वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का इसी प्रकार से अर्थात डॉग का कैनिस फैमिलरिस। कुत्ता का कैनिस फैमिलरिस और हाथी का या एलिफेंट का एलिफस इंडिकस। हाथी का होगा एलिफस इंडिकस। इसी प्रकार से चूहा का देखा जाए तो चूहा का रेटस रेटस होता है। चूहा का जंतु वैज्ञानिक नाम होगा रेटस रेटस। और मंकी अर्थात बंदर का होगा मकाका स्पेसिस। और गाय का यानी काऊ का होगा बॉस इंडिकस। भैंस का यानी बुफेलो का होगा बॉस बबलस। और घरेलू मक्खी या हाउस फ्लाई का होगा मुस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सरसों का होगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या होम एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर काली सरसों का पूछ लिया जाए, काली सरसों का, तो ब्रेसिका नेपस होता है। तोरिया का पूछ लिया जाए तो ब्रेसिका जुंसिया होता है। ब्रेसिका जुंसिया तोरिया ये भी एक तरीके की सरसों होती है, सरसों की प्रजाति है। काली राई का पूछा जाए तो ब्रेसिका नाइग्रा होता है। अगर सफ़ेद राई का पूछ लिया जाए तो ब्रेसिका एल्बा होता है। अगर मूली का पूछा जाए तो रेफनस सटाइवस। मूली का क्या होगा? रेफनस सटाइवस। सलजम का पूछा जाए तो ब्रेसिका रापा। गांठ गोभी का ब्रेसिका ऑलरेशिया। अगर फूल गोभी का पूछा जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ब्रेसिका ऑलरेशिया। फूल गोभी का भी क्या होगा? ब्रेसिका ऑलरेशिया होता है। भिंडी का पूछा जाए, भिंडी का साइंटिफिक नेम होगा एबल मस्कस एस्कुलेंटस। भिंडी का साइंटिफिक नेम एबल मस्कस एस्कुलेंटस होता है। यदि गुड़हल का पूछ लिया जाए तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। गुड़हल का क्या होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल का क्या होगा? ओराइजा सटैवा। मक्का का जिया मेज। ज्वार का सोरगम वल्गेर। अगर आलू का पूछा जाए तो सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का क्या होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। और ऐसे ही टमाटर का पूछा जाए तो लाइकोस्पर्शम एस्कुलेंटम होता है टमाटर का। ऐसे ही अगर अरहर का पूछ लिया जाए, अरहर का, तो काजानस इंडिकस होता है। अगर मटर का पूछा जाए तो मटर का पाइसम सटाइवम होता है। ऐसे ही बहुत सारे बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, तो हम चलिए दिखाते हैं। आप लोग जल्दी से देखते जाइए, बताने में काफ़ी समय लगता है, तो आप देखते जाइए, हम दिखाते जाते हैं। Thank you.
आप सभी लोगों को सभी बॉटनिकल नेम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।